तो गाइज आपको आठ जी बैम वाला फोन लेना हो या कोई फाइव जी स्मार्ट आज के वीडियो में हमने सभी तरह के फोन को रखा है इसके अलावा इन फोन में आपको प्रोसेसर भी अच्छे खासे मिल जाएंगे जिससे आप गेमिंग करते हैं या डे टू डे कोई भी काम आपका फोन बिल्कुल स्मूथ चलने वाला है और सबसे खास बात इस वीडियो में आपको कुछ सुपर एम डिस्प्ले वाले फोन और बेस्ट कैमरा फोन भी मिल जाएंगे लेकिन कौन सा फोन गेमिंग पर्पज से बेस्ट है और कौन सा कैमरा पर्पज से या फिर आपको कोई ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना हो तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को बेस्ट फोन अंडर टेन को शुरू करते हैं सो हमारी लिस्ट नंबर फाइव पर है रियलमी सी थर्टी फाइव स्मार्टफोन इस फोन में मिल जाता है का काफी पावरफुल प्रोसेर यूनिशोक टी सिक्स वन सिक्स गाइज इस प्रोसेसर से आप बिना के स्मूथली गेमिंग कर सकते हैं कैमरे की बात करें तो इसमें बैक साइड में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें मेन कैमरा फिफ्टी पिक्सल टू मेगा पिक्सल का मैक्रो लेंस और जीरो पॉइंट थ्री मेगा पिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है और फ्रंट कैमरे में एट मेगा पिक्सल का मिलता है इस फोन के फ्रंट और बैक दोनों साइड से आप फुल एच डी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें सिक्स पॉइंट सिक्स इंच की आई पी एस एल से डिस्प्ले मिल जाती है जो सिक्स हर्ट्स के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और ब्राइटनेस

प्रोसर कैमरे की बात करें तो इसमें में डुअल कैमरे के मिलता है जिसमें मेन कैमरा फिफ्टी मेगा और दूसरा कैमरा जीरो पॉइंट जीरो एट मेगा मिल जाता है और फ्रंट कैमरा इसमें फाइव मेगा पिक्सल का मिलता है डिस्प्ले की बात करें तो ये सिक्स पॉइंट की आई पी एस एल सी डिस्प्ले के साथ फोन में पांच सौ की मिल जाती है बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये पांच हजार एम की बैटरी के साथ आता है इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें साइड मोटेड मिल जाता है और ये फोन एंड्रॉइड वर्जन ट्वेल्व के साथ आता है तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें वन ट्वेंटी स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको साढ़े नौ हजार में मिल जाता है तो अगला फोन है नंबर थ्री पर सैमसंग गलेक्सी एम थर्टीन फाइव जी स्मार्टफोन गाइस अगर आपको इस बजट में कोई फाइव जी स्मार्टफोन लेना है जिसमें कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी खासी मिल जाए और प्रोसेसर भी अच्छा हो तो आप इस फोन को ले सकते हैं इसमें मिल जाता है मीडिया सेवन हंड्रेड प्रोसेसर और ये प्रोसेसर डेली यूजेज में काफी अच्छा काम करता है डिस्प्ले की बात करें तो इसमें सिक्स पॉइंट की पी एल डिस्प्ले मिल जाती है और ये डिस्प्ले आई डिस्प्ले से भी अच्छे कल प्रोड्यूस करती है मतलब डिस्प्ले इसकी काफी है इसके अलावा इस डिस्प्ले में नाइन का रिफ्रेश रेट और, और फोर हंड्रेड तो की मामले में भी फोन काफी अच्छा है बैटरी के, के साथ आती है और इसमें ट्वेल्व और फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड मिल जाता है तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें जीबी रेम वन ट्वेंटी एट के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको साढ़े दस हजार में मिल जाता है तो नंबर रिसेंटली लॉन्च हुआ रियलमी नार्जो एन फिफ्टी

फोन इनफिनिक्स नॉट ट्वेल्व गाइज अगर आपको इस बजट में कोई ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना है जिसमें आपको कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए और प्रोसेसर भी अच्छा खासा तो आप इस फोन को ले सकते हैं इसमें मिल जाता है G88 Pro, जिसमें आप मक्खन गेमिंग कर पाएंगे कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा फिफ्टी मेगा और टू मेगा का डेप सेंसर मिल जाता है और फ्रंट कैमरे मेंिक्सटी मेगा पिक्सल का मिलता है गाइज इसके मेन कैमरे से आप टू में और फ्रंट कैमरे से फुल एच में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मतलब कैमरे की क्वालिटी भी इसमें काफी अच्छी मिलती है डिस्प्ले की बात करें तो ये 6.7 पॉइंट इंच की एमुलेट डिस्प्ले के साथ आता है और एमुलेट डिस्प्ले में कलर और डिटेलिंग जबरदस्त मिलती है तो डिस्प्ले तो इस फोन की टॉप नोच है इसके अलावा रिफ्रेश रेट इसमें सिक्सटी हर्ट्स का मिलता है और ब्राइटनेस थाउजेंड मिनट्स की बैटरी की बात करें तो ये फोन पांच हजार की बैटरी के साथ आता है और चार्जिंग इसमें थर्टी थ्री की मिल जाती है इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें साइड मोटेड मिल जाता है और ये फोन एंड्रॉइड वर्जन ट्वेल्व के साथ आता है तो फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप फोर जीबी रेम सिक्सटी फोर जीबीटोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको साढ़े दस हजार में मिल जाता है